गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10 का ज्योग्राफी का जो पार्ट स्टार्ट किया हूं, मैंने फर्स्ट चैप्टर उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। और उस टॉपिक का जो मेन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। इससे पहले थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उससे पढ़ाया था मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में, और उसमें मैंने बताया था आपको रिसोर्स को कैसे यूज किया जाता है, रिसोर्स में कैसे टेक्नोलॉजी यूज करके उसको ऑप्टिमम यूज किया जाता है। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी बताया था आपको कि रिसोर्स को मैक्सिमम यूज करने के ओवर यूटिलाइजेशन जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके बारे में बताया था मैंने आपको। वो प्रॉब्लम क्या था? डिप्रेशन ऑफ रिसोर्स। पहला बता लीजिए, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मीन्स रिसोर्स जो लंबे समय तक चलने वाला बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा, इन फ्यूचर वो नहीं रहेंगे, एंड फॉर द कमिंग ऑफ द फर्दर जनरेशन के लिए, इन फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बच नहीं पाएगा। सेकेंड है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का एक्युमुलेशन इस कुछ खास कंट्रीज में कहिए, कुछ खास पीपुल के पास कहीं रिसोर्स मैक्सिमम आ जाता है, एक्युमुलेट होता है, और कुछ खास कंट्रीज के लिए, स्टेट के लिए, रीजन के लिए, या फिर पीपुल के पास में नहीं के बराबर। तो सोसाइटी दो भाग में क्रिएट होते हैं, हैव और हैव नॉट। किसी के पास है तो बहुत सारा है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। तीसरा तो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर मैक्सिमम रिसोर्स का यूज करते हैं तो जो हमारा जो इन्वायरमेंट है इसको इम्बैलेंस कर देता है, और जो नेचुरली हमारा एनवायरमेंट बैलेंस होता है उसको डिस्टर्बेंस होती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग होने से जहां भी ओशनिक पार्ट हमारा है उसके बाउंड्रीज जो है, कंट्री जो है, कोस्टल एरिया जो वो सभी डूबने लगते हैं ग्लेशियर के मूवमेंट, ग्लेशियर के मूवमेंट करने से। आप देखिए ओजोन लेयर जो लास्ट क्लास में बताया था, ओजोन लेयर का डिप्रेशन हो रहा है, ओजोन लेयर अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको प्रोटेक्ट करता है। उस तरह अर्थ में डिफरेंट गैसेस का, हार्मफुल गैस का इंक्रीजमेंट होना, यूजफुल गैस का डिक्रीजन होना, सॉइल डिप्रेशन होना, सॉइल का डिग्रेडेशन होना, ये सभी सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। किस चीज से? रिसोर्स का मैक्सिमम यूज करने से, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से, ओवर यूटिलाइजेशन से। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए जरूरत है आपका देखिए नीड क्या है। नीड हमारा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दो नीड है। अगर हम रिसोर्स को प्रॉपर यूज करें, लॉन्ग टर्म तक यूज करना चाहते हैं, अपने एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं, इकोलॉजी को बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं, तो ये दो बातें हमें करनी होगी। थर्ड रिसोर्स प्लानिंग। ये तीन टॉपिक पर डिस्कशन करना होगा अगर हमें अपने रिसोर्स को बचाना है, एनवायरमेंट को डिग्रेडेशन से बचाना है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है। इस तीनों बातों पर ध्यान दीजिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स वर्ल्ड वाइड या फिर किसी कंट्री में, स्टेट में भी आप देखेंगे तो रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसके कारण मैंने बताया सोसाइटी में एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, हैव और हैव नॉट होने का। तो उसके लिए करना होगा रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्स की पहुंच हर व्यक्ति तक, हर एरिया में, या हर लोगों तक, हर कंट्री तक होना चाहिए।
दूसरा है रिसोर्स तो पहुंच जाए वहां पे, बट उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। आप इसको ऐसे करिए, द रिसोर्स शुड बी यूज बट इट शुड नॉट डैमेज द एनवायरमेंट। रिसोर्स को आप यूज करें लेकिन आपको ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि वो रिसोर्स एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करे, डैमेज नहीं करे और एनवायरमेंट को वो ये बैलेंस को मेंटेन करे। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो रिसोर्स हमारे पास है उसको प्लानिंग वे में यूज करना होगा, इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना होगा, प्लानिंग वे में यूज करना होगा। और इस प्लानिंग वे में यूज करने के लिए ब्राजील में रियो डी जेनेरो कैपिटल सिटी है, वहां पे 1992 में एक मीटिंग बुलाया गया और द रिसोर्स फॉर द यूज ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं एनवायरमेंट को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए, इसमें बात करने के लिए एक मीटिंग बुलाया गया 1992 में। उसमें 100 हेड्स पूरी दुनिया के लगभग 100 हेड ऑफ द गवर्नमेंट के, हेड ऑफ द स्टेट वहां पे प्रेजेंट हुए, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया वहां पे और देयर डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स कि रिसोर्स को कैसे यूज किया जा सकता है और विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। उसमें उन्होंने जो स्टेप्स दिए प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, इसके लिए एजेंडा 21 एक प्रोग्राम निकाला गया, एजेंडा 21 एक्सेप्ट किया गया, बनाया गया और इस 100 हेड्स को इसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया और ये बनाया गया UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। किस देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इसने एक एजेंडा तैयार किया, उसका नाम दिया गया एजेंडा 21 नाम दिया गया। और इसमें जो मुख्य बातें थी, इसका जो मेन एम था टू फाइट विथ द डैमेज ऑफ द एनवायरमेंट, टू फाइट विथ द पॉवर्टी एंड टू फाइट विथ द डिजीज। तो इस ये मेन एम था आपको एजेंडा 21 का। तो रियो डी जेनेरो में एजेंडा 21 जो स्टार्ट किया गया और प्लानिंग किया गया उसको फॉलो करने के लिए जो डिफरेंट 100 स्टेट्स के हेड्स आए थे उसमें प्लानिंग हुआ रिसोर्स को प्लानिंग वे में यूज करना, टू यूज द रिसोर्स इन प्लान वे, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, मेक द स्ट्रेटजी to use the resource। आप उस रिसोर्स को यूज करने के लिए प्लानिंग वे में उसको यूज करें और स्पेशियली आप कह सकते हैं ज्यूडिशियस यूज, रिसोर्स या ज्यूडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स में रिसोर्स को एक न्यायसंगत यूज करें, ओवर यूज नहीं करें, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करें और हमेशा ध्यान रहे कि ये दूसरों के लिए भी है, नॉट फॉर ओनली वन सिंगल पर्सन और सिंगल स्टेट और सिंगल रीजन के लिए, उसको ज्यूडिशियस यूज करें। इसको एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे, अगर ज्यूडिशियस यूज नहीं करते हैं तो कैसे इंबैलेंस क्रिएट होता है। अब कुछ स्टेट हमारे देश के ऐसे, जैसे झारखंड ले लीजिए, आपको छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए,
इस सभी में कुछ पार्ट ऑफ बंगाल भी है, मिनरल एवडेंटली अवेलेबल है जो नेचुरल रिसोर्स के रूप में आता है। तो ये क्या हो गए, रिच इन द सेक्टर ऑफ मिनरल रिसोर्स में हो गए ये सभी स्टेट्स। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में वाटर एबंडेंटली अवेलेबल है बट देयर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा ये कहना है कि आप उस पानी को प्रॉपरली कैसे यूज कर पाएंगे। देयर इज नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू यूज द एबंडेंट वाटर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ठीक उसी तरह आप राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में दो इंपॉर्टेंट रिसोर्स एबंडेंटली अवेलेबल है, एक है विंड और दूसरा है सोलर एनर्जी। विंड और सोलर दोनों नेचुरल रिसोर्स है और उसको हम टेक्नोलॉजी के डेवलप करके विंड रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, उसी तरह सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, लास्ट क्लास मैंने बताया। बट इसका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लार्ज स्केल पर डेवलप करना पड़ेगा। उसी तरह लद्दाख में आप देखिए, हमारे देश का लद्दाख है जिसे आप किस नाम से जानते हैं, राजस्थान को आप नाम जानते हैं हॉट डेजर्ट के रूप में और लद्दाख को जानते हैं आप कोल्ड डेजर्ट के रूप में। वहां कोई रिसोर्स नहीं है बट लद्दाख हैविंग द इंपॉर्टेंस इन व्यू ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, टूरिस्ट के रूप में वहां लोग बहुत आते हैं घूमने के लिए आते हैं। तो हर एरिया का अपना एक इंपॉर्टेंस है और वहां पर रिसोर्सेज है। सेम टाइम हमारा जो देश का जो डिवीजन है उसमें बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे रिसोर्स कुछ भी नहीं है। तो यहां हमारा ये कहना है कि जहां रिसोर्स अवेलेबल है वो उस रिसोर्स को मैक्सिमम यूज करें और जहां रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उस रिसोर्स को वो यूज नहीं करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स करना होगा। ओके, थैंक यू।